हाय गाइस, वेलकम टू प्रो ट्रेडर्स। दिस इज हर्षवर्धन। आज कुछ स्टॉक्स दिया तो मैंने, उसके बारे में ही एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ कल का स्टॉक्स भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ट्रेडिंग करने का तरीका ऐसा होता है कि देखो, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पे यहाँ पे क्लोज दिया था कल। सो आज क्या करना है, कल मैं टेलीग्राम चैनल में जो भी लेवल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप मैंने दिया था 101, ठीक है, 101, तो ये मेरा हमारा ट्रेडिंग लेवल है, ठीक है। कल मैं बाई के लिए देता हूँ, राइट। तो मैं टारगेट कुछ देता हूँ 105 मान लो, ठीक है, 105। सो 101 पे मैं बाई दिया, उसके बाद स्टॉप लॉस कहीं पे यहाँ पे 98 पे होगा फॉर एग्जाम्पल। तो हमेशा हमारा मार्केट कैसे ओपन करना है, ये जो ट्रेडिंग लेवल मैंने दिया था टेलीग्राम चैनल में, उससे नीचे खुलना चाहिए। नीचे कहीं पे भी 99 पे हो सकता है, 100 पे भी हो सकता है, कहीं से भी वो नीचे होके इसको ब्रेक करके फिर वापस जाके हमारा टारगेट को देना है। ये ही है सेटअप। ऐसा सेटअप हुआ तो तभी हमको करना पड़ेगा ट्रेड। अगर नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड 101 पे दिया, लेकिन हमारा प्लान क्या था, 101 से नीचे ओपन होके ऊपर जाएगा, राइट। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ओपन होते ही 103 पे ओपन हुआ। तो ये ट्रेड सेटअप नहीं है, आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों? हमारा प्लान है वो नीचे खुलेगा, उसके बाद हमारा ट्रेड लेवल को हिट करके ऊपर जाके 105 हो, 104 हो, वो टारगेट दे देगा, ठीक है, ये टारगेट दे देगा, तभी हमको ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है, वो सेटअप है ही नहीं, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी सेम वे आपको मिरर इमेज में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको 95 पे आपने क्लोज दिया, फॉर एग्जाम्पल 95 पे क्लोज दिया कल, मार्केट दिया था कल सुबह, मैं टेलीग्राम चैनल में देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 94 पे हमारा ट्रेडिंग लेवल है, यहाँ पे सेल करना है हमको, ठीक है, कहाँ पे, 94 पे फॉर एग्जाम्पल। तो हमारा प्लान क्या है, 94 से ऊपर कहीं पे भी यहाँ पे ओपन होके वो 94 हो सकता है, 96 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर ओपन होना है। उसके बाद क्या होता है, इसको ब्रेक करके फिर वापस आके हमारा 90 कोई भी हो टारगेट हमको दे देगा। तो ऐसा सेटअप होना चाहिए, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं लेवल देता हूँ उससे ऊपर ओपन होना है, जब भी सेल करने के टाइम पे ऊपर होके फिर उसको ब्रेक करके फिर हमारा टारगेट दे देगा। अगर नहीं, हमारा 93 पे गैप डाउन खुल गया, कौन सा लेवल पे, हमारा ट्रेडिंग लेवल, जो भी मैं सेल को देता हूं उससे हमारा, हमने डिसाइड किया सेल यहाँ पे करना है 94, लेकिन वो 93 या 92 पे खुल गया गैप अप, गैप डाउन, तब क्या करना है, इसको ट्रेड नहीं करना है, ये ट्रेडिंग का सेटअप है ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो भी ट्रेड लेवल होता है, हम डिसाइड किया 101 पे बाई करना है, फॉर एग्जाम्पल वो नीचे खुलना चाहिए, उसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए और टारगेट देना चाहिए। यहाँ पे भी सेल साइड के लिए उससे ऊपर खुलना चाहिए, उसके बाद उसको हमारा जो भी लेवल है ट्रेडिंग लेवल सेल ऑर्डर का, उसको ब्रेक करके हमारा टारगेट यहाँ पे दे देना है, तभी हमको ट्रेड करना है, ठीक है, नहीं तो नहीं करना है। वही सेटअप है, अगर नीचे हमारा ट्रेडिंग लेवल पे नीचे गैप डाउन खुल गया तो ट्रेड नहीं है, हमारा ट्रेडिंग लेवल पे गैप अप खुल गया तो वो ट्रेड नहीं है बाय साइड पे, ठीक है। सेल साइड पे हमारा ट्रेडिंग लेवल से नीचे नहीं खुलना चाहिए, ऊपर ही खुलना चाहिए, बाई से हमारा ट्रेडिंग लेवल से नीचे खुलना चाहिए, तभी हमारा बाय ऑर्डर को हिट करके ऊपर जाना है, ठीक है, यही सेटअप है। और एक बात है, जो भी मैं ऑर्डर्स देता हूं वो अगर आपको एंट्री नहीं मिला कहीं पे भी, एंट्री नहीं मिला, नो एंट्री, तब क्या करना है, एंट्री नहीं मिला तो कैंसिल ऑल द ऑर्डर्स बाय 10 AM। ये गेम सिर्फ 9:15 से लेके, ठीक है, ये गेम सिर्फ 9:15 से लेके 10 AM तक। अगर 10 AM से कोई भी एंट्री नहीं मिला, पेंडिंग में ही है, सेल ऑर्डर पेंडिंग में है, बाय ऑर्डर भी पेंडिंग में है, तो उसको ऑल द ऑर्डर्स को कैंसिल करेंगे, उस दिन ट्रेड नहीं है, ठीक है, जो भी आप ट्रेड करते हो, समझ में आया ना। यही इसी के हिसाब से, इसी प्लान से मैं जो भी लेवल देता हूं टेलीग्राम चैनल में, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां पे देखिए, मेरा रिजल्ट्स पेज में जाइए,
और वहां पे ये सब चेक किया मैंने, कब कब कौन सा स्टॉक में, देखो एनबीसी स्टॉक में कितना पैसा कमाया, 6 महीने में कैसे बनाया पोजिशनल स्ट्रेटजी से, बीएचएल में 45 डेज में कितना 2,50,000 कैसे कमाया, कब कब कैसे कमाया, वो सब मैं एक्सप्लेन किया है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, वो सब देखिए। ये देखो 30 डेज में 70,000 कमाया टाटा पावर में, और अल्केमी स्ट्रेटजी स्काल्पिंग इंट्राडे में मैंने 200% रिटर्न कमाया आईटीसी स्टॉक में, वो भी देखिए। करेंसी में भी 100% रिटर्न से एक मंथ में कैसे कमाया, वो भी देखिए। और ये बहुत सारे ये भी है, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल या फेसबुक सभी में ये रिजल्ट्स लाइव वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगर ये कैसे बनाया मैंने कोर्स का डिटेल्स यहाँ पे मैंने फ्री ट्रेनिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखिए ये वीकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इस वीडियो को पूरा देखो आप, ठीक है, आपको समझ में आएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे कहीं मैंने कोर्स डिटेल्स भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कहीं आपको विथ प्रूफ्स कैसे मैंने कहाँ बनाया, कौन सा महीने में कितना बनाया, वो सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कोर्स का डिटेल्स भी है, एंड तक देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे कही है, वो पूरा देखिए कौन सा क्या मिलने वाला है। अगर क्वेश्चंस डाउट है तो मुझे पूछिए, ठीक है, अगर अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो इट्स ओके। तो आज मैंने कुछ स्टॉक्स दिया था, उसमें पहला वाला है यूपीएल, ये देखिए इस लेवल से नीचे आने की पॉसिबिलिटीज़ है, वैसे ही नीचे आया देखिए प्रोजेक्शन के हिसाब से, लेकिन हमारा एसएल यहाँ पे देखो हिट करके फिर वापस आ गया, तो ये फेल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद इन्फोसिस, ये देखिए इन्फोसिस मैंने बाई के लिए दिया था, राइट, सो देखिए कल का एनालिसिस वीडियो देख लीजिए, ये देखो ये पैटर्न कंटिन्यूस हो रहा है, यहाँ से देखो यहाँ तक गया, तो ये सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट उसके बाद डाबर, देखिए डाबर कल का एनालिसिस वीडियो देखो, इसको ब्रेक करके पॉजिटिव कैंडल बनाया, ये सपोर्ट लिया और देखिए कितना बड़ा मूवमेंट दिया है उसने, तो ये सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो कल के लिए यहाँ पे कुछ स्टॉक्स लिया मैंने, उसमें पहला वाला है भारती एयरटेल, ये देखिए भारती एयरटेल को हम सेल के लिए प्लान करना पड़ेगा, वैसे भी ये देखो डाउन ट्रेंड पे है, राइट, ये देखो कहाँ से आया था रिजेक्शन, देखो यहाँ से आया, ये जो लेवल है ना इस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन आ गया इतना बड़ा, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये और भी नीचे गिर सकता है, तो इसलिए हम इसको सेल के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा लेवल पर ट्रेड करना है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन करो, ठीक है। नेक्स्ट एलटी, ये देखिए सेम इस लेवल से नेगेटिविटी आ गया यहाँ से, फिर अंदर इसी जोन पे आ गया, मोस्ट प्रॉब्ली फिर नीचे गिर सकता है, इसलिए हम सेल के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कोटक बैंक, ये भी सेल के लिए प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, राइट, तो इसलिए हम इसको भी सेल के लिए प्लान करना पड़ेगा। ये देखिए इस लेवल से सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वापस आ गया, फिर यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज है, तो इसलिए हम सेल के लिए प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद आईसीआईसी प्रू लाइफ, ये देखिए यहाँ से इस लेवल से कंटिन्यूस रेसिस्टेंस है, नेगेटिव कैंडल बनाया और नीचे यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज है, इसलिए हम सेल के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैरिको, मैरिको हम इसको बाई के लिए प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से टर्निंग लिया ना, जो भी यहाँ से सपोर्ट लेवल है देखो यहाँ से कंटिन्यूस ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है, तो और ये ब्रेक करके यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज है, तो इसलिए हम बाई के लिए प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट अदानी पोर्ट्स, इसको भी बाई के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि देखिए ट्रेंड लाइन और पॉजिटिव कैंडल और ब्रेक करके यहाँ तक जा सकता है, तो इसलिए हम बाई के लिए प्लान करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है एसबीआई लाइफ, सेम ये देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, ये देखो नेगेटिविटी आ गया, कंटिन्यूसली फॉल रेड कैंडल था, यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल बनने की पॉसिबिलिटीज है, इसलिए हम बाई के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद रैमको सीमेंट, ये देखिए इसको भी हम बाई के लिए प्लान करना पड़ेगा, देखिए ये लेवल है, इसको टच करके दो बार रिवर्सल हो गया और ये पॉजिटिव कैंडल कल बनेगा, तो इसलिए हम बाई के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा लेवल पे ट्रेड करना है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन करो, नहीं तो वेबसाइट में जाओ, यहाँ पे क्लिक करके आप ये प्रो ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आल्गो ट्रेडिंग के बारे में तो पता है आपको, ये सारे वीडियोस देख लीजिए एक के बाद एक, आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको अच्छा लगा तो रिजल्ट्स पेज भी यार रिजल्ट्स वीडियो भी यहाँ पे मैंने डाला है, और कैसे यूज़ करना है यहाँ पे डाला है ये भी, ये सब चेक करके अब अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।